दोस्तों, आज से एक हफ्ता पहले मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो डाला था, हाउ टू अपलोड लॉन्ग वीडियो ऑन फेसबुक स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फेसबुक स्टोरी पे आप एक मिनट से ज़्यादा वाला वीडियो कैसे डाल पाएंगे वो मैंने बताया था। दोस्तों आप सबको पता होगा, अगर आप फेसबुक स्टोरी पे एक मिनट से ज़्यादा वाला वीडियो डालते हैं तो फेसबुक क्या करता है, उसे कटिंग करके 26 सेकंड का कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उसे 26 सेकंड का कर देता है। लेकिन दोस्तों मैंने जो ट्रिक बताया था, अगर आप उसे यूज करेंगे तो आप एक मिनट से ज़्यादा वाला वीडियो अपने फेसबुक स्टोरी में डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस वीडियो को डालने के बाद मैंने देखा आपका बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स भी आया उस वीडियो पे, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का प्रॉब्लम भी वहाँ दिखा रहा था, कुछ लोगों को दिक्कत भी आ रहा था कि उनका एडिट का ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे वो अपलोड करते हैं स्टोरी पे वहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो दोस्तों आप लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और आप बड़े आसानी के साथ अपने फेसबुक स्टोरी पे एक मिनट से ज़्यादा वाला वीडियो डाल पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं वो तरीके क्या है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हो सके तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कमाल का ट्रिक क्या है। हाय दोस्तों, मैं हूँ कुर्बान अली खान और केके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, इस तरह मैसेंजर को ओपन करते हैं। ओपन करने का दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, यहाँ जितने भी फ्रेंड हैं कोई एक को सिलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए मैं आपकी तरह कर देता हूँ, ये जो स्वराज लिखा हुआ है मैं अब उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने का दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ फोटो पर क्लिक करेंगे। फोटो पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक मिनट से ज़्यादा वाला वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये रहा 1 मिनट 53 सेकंड वाला वीडियो, चलिए उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके ऊपर क्लिक करने का दोस्तों यह देखिए केवल सेंड का बटन दिखा रहा है, और आप लोग भी कंप्लेन करते हैं कि सेंड का बटन दिखा रहा है, एडिट का बटन नहीं आ रहा है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको मेरे तरीके से दिखाता हूँ कैसे एडिट का बटन आता है। तो चलिए बैक जाते हैं। बैक जाने का दोस्तों तो चलिए मैं भी कोई एक फ्रेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो चलिए ये जो वर्सेटाइल कृष्णा है अब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने का दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, यहाँ फोटो पे क्लिक करूँगा। फोटो पे क्लिक करने का दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, एक मिनट से ज़्यादा वाला कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों ये रहा 1 मिनट 53 सेकंड वाला जो पहले मैंने सिलेक्ट किया था वही वीडियो को चलिए फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए उस पर क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने का दोस्तों यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है, सेंड का भी आ रहा है। पहले मैंने बताया था उस पर सेंड का आ रहा था, लेकिन इस पर एडिट का आ रहा है और सेंड का भी आ रहा है। तो कैसे ही आ रहा है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मैसेंजर को अपडेट करना है। अपडेट करने का दोस्तों अब आपको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने का दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ जितने भी फ्रेंड होंगे उनमें से ढूंढना है कौन एक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपना स्टोरी डालेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन बंदा एक्टिव है। तो दोस्तों ये रहा साबुत, चलिए ये देखिए ग्रीन सिग्नल है, ये अभी एक्टिव है। तो चलिए अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने का दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ फोटो पर क्लिक करेंगे और फिर कोई एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए ये वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने का दोस्तों देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो बंदा एक्टिव होगा उसी पे क्लिक करना है तभी एडिट का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ से स्टोरी डालना भी बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने का दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है योर स्टोरी, अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए उस पर क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने का दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ ऐड पे क्लिक कर देना। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ये स्टोरी आपके फेसबुक स्टोरी में ऐड हो जाएगा और आप वहाँ से एक मिनट से ज़्यादा वाला स्टोरी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको, आप क्या गलती करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी बिना एक्टिव वाले के ऊपर क्लिक करके दिखाऊँगा कि कैसे वहाँ पर केवल सेंड का बटन आएगा। तो चलिए कोई भी एक बंदे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो प्रिंस है ये एक्टिव नहीं है। तो चलिए अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने का दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ फोटो पे क्लिक करेंगे। फोटो पे क्लिक करने का अब हम क्या करेंगे, कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे।
तो दोस्तों यह देखिए सेंड का बटन आ रहा है, एडिट का बटन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, याद रखना है जो एक्टिव होगा उसी के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप स्टोरी वहां से डाल सकते हैं बड़ा आराम से। जी हाँ, तो अगर वो एक्टिव नहीं होगा केवल सेंड का बटन आपको दिखाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि हर किसी की प्रॉब्लम दूर हो सके और हर कोई अपने फेसबुक स्टोरी पर 1 मिनट से ज़्यादा वाला वीडियो डाल सके।